यो, पहली बात तो यार मुझे जुकाम है, तो अगर ये वाला वॉइस ओवर मेरा इतना अच्छा नहीं लगा तुम लोगों को तो प्लीज डोंट माइंड। सेकेंडली यार ये पिक्चर देख के मेरी घाण फट गई, तो मैंने कोशिश तो पूरी करी स्क्रिप्टिंग करने की अच्छी, लेकिन कम ऑन ऐसी पिक्चरें देख देख के ना कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो होता है कभी कभी जीवन में, अगर इतनी अच्छी ना लगे तो प्लीज अंडरस्टैंड। और तीसरी बात, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो अलाउ मी टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स फॉर समथिंग एल्स एज वेल। तो हैप्पी न्यू ईयर की नटशेल, जिस जिसको पसंद आई उन्हें दिल की गहराइयों से निकला हुआ गर्मा गर्म थैंक यू सो मच, और जिन्हें ठीक लगी या पसंद नहीं आई या फिर दे थिंक दैट आई शुड थिंक अ बिट मोर अबाउट द एग्जीक्यूशन, तो आई वुड से कि भैया फेयर इनफ, पॉइंट टेकन, मतलब ठीक है, लेट मी सी व्हाट मोर आई कैन डू। लेकिन जिन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जो बोल रहे हैं कि भाई हग दिया, पुराना स्टाइल ही रखो और सिर्फ वो ही कंटिन्यू करो, वो लोग ना मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनो कि ज्योतियों, अगर मैंने उस फॉर्मेट में वीडियो बनाया है, दैट डजंट मीन कि मैंने पुराना फॉर्मेट छोड़ दिया। और मेन रीजन टू नॉट यूज क्लिप्स इज कि यशराज फिल्म्स इज नॉट लाइक अदर कंपनीज, जो कंटेंट देख के बोले ओह अंडरस्टैंडेबल और छोड़ दे, वो करते हैं सीधा वीडियो ब्लॉक साबुत की साबुत, वो भी नॉट जस्ट ऑन यूट्यूब, बकायदा हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे इंस्टाग्राम पकड़ लो या फेसबुक पकड़ लो या कहीं भी पकड़ लो, कहीं से भी आएंगे ब्लॉक करके भग जाएंगे। तो अब तुमको YRF की नटशेल्स भी चाहिए, ओरिजिनल फॉर्मेट भी चाहिए, तो भैया ये तो हमसे होगा नहीं, अनलेस तुम अपना एक यूनियन बना के चंदा इकट्ठा करके हर महीने मेरे घर पे भिजवाना चालू करो तो। बट टिल देन द सेफर ऑप्शन इज दिस, एंड ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू मेक इट बेटर नेक्स्ट टाइम, बट कम ऑन डूड, जीवन में चेंज जरूरी है, तो ट्राई टू एंजॉय एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो शुरू करते हैं अब, चलो आ जाओ। हाँ जी, तो कहानी शुरू होती है लव यू नोरा फतेही से। नहीं सीरियसली वे, धूम्रपान, गुलशन कुमार, महंगा वाला सीए और स्पेशल थैंक्स के बाद इसी का नाम छापा है भाई। बट एनीवे, हु केयर्स राइट, हु केयर्स। तो नोरा फतेही को लव यू बोल के डायरेक्टर भिजवाता है जॉन प्रथम को विधानसभा में, और पीछे पीछे आती है दिव्या भोसला कुमार। सॉरी यार, इसको बोला था मैंने ये वाला लाइन मत बोलना, भोसले का उसका पति का प्रोडक्शन कंपनियां तेरे गांड मारने आ जाएंगे तो फिर तू रोएगा, वीडियो का यह कर दिया, वीडियो का वो कर दिया। ओके ब्रो, मजाक था यार, तू तो पर्सनल हो गया भाई, सॉरी यार, आगे बता दूं कहानी। हाँ, बोल। हाँ जी, तो पीछे पीछे आती है मिस टी सीरीज और सारे मेल बांट के जाते हैं एंटी करप्शन बिल की बात करने, लेकिन ये अपोजिशन वाले चचा तो एटीट्यूड दे रहे हैं कि अब देखो बेटा, मैं विलन हूँ, खुले में किधर भी कभी भी धमकी दे सकता हूँ, वैसे भी तेरा यह बिल वगैरह क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि इधर मैं सबको पैसा मांगता छोटे, चलो भी निकल। तो आते हैं स्पीकर महोदय और पूछते हैं कि भैया जिसको बिल मांगता है बोलो हाँ, हाँ जिसको बिल नहीं मांगता है बोलो ना। बताओ, करप्शन किसी को रोकना ही नहीं है, तो भाई अब थोड़ा सा स्पीच भी देना पड़ेगा ना। सो ही गोज लाइक, एक ही मूवी में सारे सोशल कॉजेस करूंगा टच, क्योंकि पूरे असेंबली में सिर्फ मैं ही बोलता हूँ सच, लेकिन मेरे डायलॉग्स लिखने वाले का थोपड़ा करूंगा रिटच, क्योंकि मगजम, दिस इज टू मच यार, दिस इज टू मच। वाह बेटा, बिल किसी ने अप्रूव नहीं करना, लेकिन शायरी सुन के टेबल सबने बजानी है। लेकिन मीडिया वालों को यहाँ पे भी शांति नहीं है, तो बना दी ब्रेकिंग न्यूज और पहुंचे मिस टी सीरीज के पास पूछने कि भैया सपोर्ट काहे नहीं किए हैं, और काहे इतनी बकचोदी। आप एक बात बताइए, अगर आपके सामने दो नोट हो, 10 का और 100 का, तो आप कौन सा उठाएंगे? ऑफ कोर्स 100 रुपए का, पर मैं दोनों उठाऊंगी। Damn, it feels good to be a gangster. देखिए असेंबली में उनके खिलाफ वोट एक पॉलिटिशियन ने किया, पर अपने पति की बात पर गर्व से ताली एक बीवी ने बजाई। बेटे तेरे बाप ने कभी सिखाया था भैंजो जैसे बोलने को? अबे पागल वागल है यार, नहीं मतलब ये 100 का नोट 10 का नोट, भैंजो एग्जांपल तो ढंग के दे दे यार, मतलब एक तो चूतिया एमएलए, ऊपर से अखंड चूतिया बीवी, पहले सपोर्ट ना करके गांड जलाएगी, फिर स्पीच पे ताली बजा के जले पे नमक भी डालेगी। अरे अलग लंड भरे हैं यार, कौन लिखता है ये स्क्रिप्ट है? हमको क्या पता, बताइए। बट एनीवे, गॉट मूव ऑन। तो जॉन प्रथम जाता है अपने घर, मिलता है डीप स्लीप कोमा वाली माँ से, क्योंकि प्लॉट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। फिर आती है ये बेवकूफ बीवी और बोलती है हेलो जी नमस्ते, यार मूवी तो ले लिया है लेकिन एक्सपीरियंस सिर्फ म्यूजिक वीडियोस का है, तो मैं बस जबरदस्ती के एक्सप्रेशन दे सकती है, ज्यादा एक्टिंग और बिल को सपोर्ट क्यों नहीं किया इसका जवाब एक्सपेक्ट नहीं करने का। अरे मूवी के एंड तक भी नहीं बताएगी, अरे उसके बाद भी नहीं बताएगी, ब्रो कर ले जो करना है। तो इस बेवकूफ बीवी से परेशान जॉन जाता है अपने पिताजी की स्टैचू से मिलने और करता है एक प्रॉमिस की पिताजी, अरे ऐसा घनघोर लंड बंदा बिठाया मेरे डायलॉग्स लिखने के लिए, साला
आपको बिना हंसे याद भी नहीं कर सकता, इतना शायरी कर दिया जिंदगी में पिताजी। खैर अब कानून को हाथ में लेने का टाइम आ गया पिताजी। ओके बाय। तो इसी बात पे अगले दिन यहाँ मंदिर में ये माँ बेटी आए हैं पूजा करने, लेकिन बेटी तो एकता कपूर से इंस्पायर्ड है, तो जरा सा पैर क्या घुमा ये तो सीधा पलटी मार ली। मम्मी जी लेके पहुंची इसको हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पे चल रही है स्ट्राइक और ये डॉक्टर खुले आम आंटी को प्राइवेट हॉस्पिटल रिकमेंड कर रहा है। तो आंटी दूसरे हॉस्पिटल जाने की जगह डायलॉग बाजी करने लग गई और ये बात आंटी की बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो अफसोस। तो अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर निकले अपने जॉन भाई नंबर वन और ये डॉक्टर को उठा के सेम मंदिर में ले जाके अच्छे से कूट के कर दिया अरेबियन पीस। यार पहली बात तो इसको इतना डिटेल में रिपोर्ट किसने दिया कि लड़की इसी मंदिर में गई और स्पेसिफिकली यही साइड की सीढ़ियों से गिरी। और चलो ठीक है रिपोर्ट गई भाड़ में। ये साला होम मिनिस्टर है, कम से कम अपना मुंह तो कवर करके जा ब्रो, है कोई भी देख के पहचान लेगा तेरे को, अलग ही कुछ विजिलेंट है ब्रो। और अगर तेरे को इतना ही इंसाफ करना है तो पहले अपने खुद के साथ करना, मतलब इतनी भर भर के शॉपिंग करता होगा लेकिन जब तक कैश करो यूज करके नहीं देखेगा तो सारी शॉपिंग अपराध है ब्रो। क्योंकि कैश करो है इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप दैट इज फंडेड बाय साक्षात मिस्टर रतन टाटा, जहाँ पे तुमको शॉपिंग करने के बकायदा पैसे मिलते हैं जिन्हें तुम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर अमेज़न गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट करा सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे, सिंपल है। सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाके कैश करो डाउनलोड करो या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूज माई कोड बाबा 25, इससे तुम लोगों को 25 रुपए का बोनस मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अवेलेबल 1500 से भी ज्यादा वेबसाइट्स लाइक Amazon, Ajio, Myntra वगैरह में से कोई भी एक सेलेक्ट करो, फिर इस ऑरेंज बटन पे टैप करो और बस नॉर्मली जैसे शॉपिंग करते हो वैसे कर लो। ट्रांजैक्शन करने के बाद अपने माई अर्निंग सेक्शन में जाके कैशबैक चेक कर लो, एक बार मिल जाएगा तो अपने बैंक अकाउंट में डलवा लेना या फिर Amazon गिफ्ट वाउचर बनवा लेना। एंड द क्रेजीएस्ट थिंग इज दैट दे हैव दीस फ्लैश डील्स जो रोज दोपहर 12 बजे होती है, इस टाइम पे यू गेट एक्सक्लूसिव लूट डील्स व्हिच यू विल Don't want to miss. And इस सब के अलावा मेरे पास एक giveaway भी है मित्रों। Once again, simple सा काम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, description वाली लिंक से कैश करो डाउनलोड करो, फिर उस पे साइन अप करके कोई भी छोटे से छोटा ट्रांजेक्शन कर लो लाइक रिचार्ज और समथिंग, और बस ऑर्डर कैंसिल नहीं किया तो तुम सब में से जीतेंगे पूरे 6 लोग, जिसमें से एक को मिलेगा एको ब्लूटूथ स्पीकर और बाकी 5 को हजार रुपए का Amazon गिफ्ट वाउचर। तो ज्यादा सोचो मत, वीडियो पूरी देखो और जाके डाउनलोड करो, कैश करो आज ही। Anyway, तो अगले दिन आता है मिस टी सीरीज के पिताजी, हु इज ऑल्सो अ सीएम, जो 25 साल पहले जॉन के पिताजी के साथ काम करता था लेकिन जॉन के पिताजी समाव हो गए आर आई पीस, बस अम्मा बच गई जो 25 साल से कोमा में है, you know? यूजुअल स्टफ। तो ये लोग बुलाते हैं अनूप सोनी को जो बोलता है अरे सर सुनिए तो सर देखिए मैंने लोगों को जिंदगी भर बहुत सतर्क करवाया है यार, आप भरोसा रखिए मैं पकड़ेगा ना किलर को। लेकिन सीएम साहब को इस पे भरोसा है ही नहीं, तो ये बोले अरे सुनो मूवी में है किलर ऑन द लूज, डायरेक्टर है चूतिया और प्रोड्यूसर कंजूस, तो चाहिए था एक और कैरेक्टर लेकिन ये लोग किए जॉन को चूज, तो जाइए जॉन नंबर 2 को बुलाइए। तो एंट्री के नाम पे टोनी स्टार्क से भी बहादुर गुंडा छेड़ रहा है एक लड़की को। क्या बहादुर कैसे? अरे क्योंकि बेटा ये छेड़छाड़ चल रही है कॉलेज में जहाँ चल रही है 15 अगस्त की सेलिब्रेशन, तो कॉलेज वाले मस्त झुंड बना के खड़े हैं ग्राउंड में लेकिन फिर भी ये चिल मार के छेड़ रहा है और इसका पट्टर वीडियो बना रहा है। ओह अच्छा लखनऊ का कॉलेज है क्या? अच्छा तभी पीछे से पड़ी लात फ्रॉम जॉन नंबर 2 and for some reason अचानक से साइड में खड़े सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। So let us say people are retarded. But remember मित्रों, ये मूवी written और directed दोनों by मिलाप जावेरी और produced by T series है, तो like every other super sensible music video by T series, अभी 10 सेकंड पहले लड़की यहाँ छिड़ रही थी लेकिन मिलाप भाई को लगा कि जॉन की शर्ट निकलवा के पोज वगैरह दे दे के गुंडों को पिटवाना would be the best thing to do here. तो गुंडों के साथ ऑडियंस के दिमाग की चा मोद के जॉन 2 जाता है अपनी माता जी से मिलने जो अगेन 25 साल से कोमा में, ये दोनों जुड़वा भाई हैं। फिर दोनों भाई जाते हैं अपने डैड की स्टैच्यू से मिलने जहाँ ये बोलता है अब भाई यार प्लॉट में मजा नहीं आ रहा यार, अभी देखो एक भाई मंत्री और एक भाई पुलिस वाला है तो एक और देना चाहिए था ना वकील बना के, बोले तो परफेक्ट ट्रायो ब्रो। अरे 3 जॉन का शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता ना यार। अरे घंटा 3 का तो वैसे ही कर दिया है ना, अपना बाप भी सेम अपने जैसा दिखता ना ब्रो, व्हाट द फक इज दिस 80s 90s हैं यार, भैंचो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादरचोद के बच्चे। अच्छा चल तू चल मूवी आगे बढ़ाएंगे चल। तो जॉन 2 जाता है बाकी
कंपनी के अनफिट ठुल्लों की ब्रीफिंग लेने। लेकिन जॉन वन तो ओवर कॉन्फिडेंट है, तो लगाता है फोन जॉन टू को और दोनों बैठ के करते हैं डायलॉग बाजी। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता। मारा जाएगा, अपनी सो इतना गुरूर ठीक नहीं, सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अरे तू जा रही। मीनवाइल यहाँ पे कुछ बच्चों को मस्जिद का खाना खा के हो गई घातक वाली फूड पॉइजनिंग, और सरकारी अस्पताल पहुँचे तो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है। तो भैया देखो, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो किसी डॉक्टर दोस्त को वीडियो भेज के कंफर्म करा लो, बट यहाँ पे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ये हो गए बच्चे RIP इन पीस। तो जॉन ट्रॉन ने करी तहकीकात, तो पता चला कि मस्जिद में जो राशन आया था वो ये चचा के साले की कंपनी से आया था, और ऑक्सीजन सिलेंडर देने वाला बंदा भी इन्हीं का आदमी था। लौंडे को आया गुस्सा और एक ही पंच में तोड़ दी उसने टेबल, और ये देख के मिलाप जावेरी को ऑर्गेजम ऐसा आया कि दिमाग हो गया अनस्टेबल। तो चचा बोले, सुन बलोड़ सुन सुन मेरी बात, अरे मूवी का हूँ मैं बैड गाय, और मेरे समोसे की तूने चटनी गिराई, अबे एक्शन मूवी बनाई है तो मार के दिखाना मेरे भाई। And John took that personally. लेकिन एनानु फर्क ही नहीं पहनता, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करने में इतने बिजी हैं कि मन हल्का करने के लिए नोरा दीदी का डांस देखने चले गए। अब देखो, दिस मूवी इज एज प्रेडिक्टेबल एज इट कैन बी, ओके। तो ऑब्वियसली ये इनके जिंदगी का आखिरी डांस था, क्योंकि पहले जॉन वन ने टपकाया सरकारी हॉस्पिटल के डीन को, फिर गए चचा के पास और बकायदा गाड़ी का इंजन उखाड़ के गांड फाड़ के लेके गया इनको मस्जिद में, और बकायदा जबरदस्ती खिलाया वही बासी फूड पॉइजनिंग वाला खाना, और कतई आयरनी वाली मौत दे के बाय बाय। क्या बात है। फिर अगले दिन गिरता है शहर का एक फ्लाईओवर। हाँ जी, जॉन भाई के राज में साला फ्लाईओवर भी गिर गया, बताओ। लेकिन जिस लोडू ने बनवाया था वो मीडिया से बात कर रहा है ट्रिपल सीट बिठा के स्कूटर चलाने की। अबे चूतिया है क्या? नहीं मतलब सारे चूतिये इसी पिक्चर में भर दिए क्या? बस करो भाई, बस करो यार। तो वंस अगेन अब इसकी बारी है। मतलब मूवी इतनी प्रेडिक्टेबल है कि अब मूवी की कास्ट को भी पता है कि अगली किसकी बारी है। तो रात को ये ट्रिपल सीट चचा के घर पे हो रही पार्टी की बत्ती उड़ा के जॉन वन उठा के निकलता है अंकल को लेके। लेकिन भैया जी ये भूल गए कि ये होम मिनिस्टर है, तो फिर से बिना मुंह छुपाए गाड़ी उड़ाने बैठ गए। बट ऑब्वियसली किसी ने देख लिया तो मूवी आगे कैसे बढ़ेगी। तो लौंडे ने उड़ा दिया नाकाबंदी, पहुंचा गोदाम में, और बस इसको RIP पीस करने जा ही रहा होता है कि तभी आता है जॉन टू। बट सरप्राइज सरप्राइज प्लॉट ट्विस्ट, ये दोनों तो सेम टीम में ब्रो। तो इसी बात पे फ्लैशबैक टाइम। 25 साल पहले वाराणसी के खेतों में हो रही है किसानों के साथ जास्ती, लाइक मोस्टली एवरी अदर स्टेट इन रियलिटी। लेकिन जॉन ट्विंस की अम्मा से ये देखा नहीं जा रहा, तो बुलाती है जॉन जीरो को, जो हल मार के जमीन फाड़ के जमींदार को भगा देता है। अबे खेत जोतने बोला था, जोतने नहीं। बट एनीवे, तो अगले दिन जॉन जीरो निकलता है लखनऊ के लिए वहां जाके अनशन करने, लेकिन वहां पे हो गया लाठी चार्ज। अबे ये मूवी से रियलिटी शो कब बना है? वेट, अभी भी मूवी चल रही है, क्योंकि जॉन जीरो को आया गुस्सा, तो वो बोले, अरे फाटक पे फाटक और फाटक पे बाल्टी, करप्शन से चमोद गई अपनी रूलिंग पार्टी। तो मैं क्या पाजी, से नो टू करप्शन। बस फिर लोग जॉन जीरो की बात से इतना इंस्पायर हुए कि और भी बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट ज्वाइन किया। बट एट द सेम टाइम लाइक ऑलवेज कुछ चूतिए ऐसे निकले जो वैंडलिज्म करने लगे। तभी हीरो के दोस्त का कैंसर किक्स इन, तो अब इसको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन सिंस CM साहब आ रहे हैं ट्रूस के लिए, तो साथ में माता जी को जाना पड़ेगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, रास्ते में चूतिए प्रोटेस्टर्स ने फेंक के मारा उनो रिवर्स कार्ड, तो अब माता जी को लेके जाएगा मरीज हॉस्पिटल। वाह क्या बात है। और माता जी को हॉस्पिटल पहुंचाते ही लौंडा हो गया RIP इन पीस। बट द मूवी कैन नॉट स्टॉप हियर। तो जॉन जीरो जाता है माता जी को अपना खून देने के, तभी एंट्री होती है 10-20 भाड़े के टट्टूओं की, क्योंकि हॉस्पिटल की सिक्योरिटी, पुलिस और इतने बड़े प्रोटेस्ट के लीडर के आदमी सब के सब गए। सो डिड यू नो कि जॉन जीरो भाई एक हाथ से भी लड़ सकते हैं? नहीं ना, देख तो देखो फिर। पर देन अगेन, साला एक हाथ से भी लड़ के ये जीत जाएगा तो मूवी बनाने का क्या पॉइंट रह जाएगा ब्रो, हैं?
एंड फाइनली काम खत्म होने के बाद आया भैया जी का आदमी और फाइनली इसको देख के गुंडों की गांड फटी और भाग गई और जॉन जीरो की याद में स्टैचू बनवा के ये चच्चा हो गए इलेक्शन में खड़े। क्या बात, ये चेन ऑफ इवेंट्स मुझे कुछ पचा नहीं ब्रो, बट हू केयर्स। तो बैक टू प्रेजेंट डे, आज शहर में बच्चों को पकड़ के उन्हें टॉर्चर करके बैगिंग करवा के उनके इकट्ठे किए हुए पैसों पे अय्याशी करने वाले भोसड़ी के मादरचोद बहन के लोड़े मच्छर की जान आदमी के डर से एक बेचारा बेगर बच्चा कूद गया चलती गाड़ी के सामने। ओ कम ऑन, अब तो KRK भी बता सकता है कि आगे क्या होगा ब्रो, ऑब्वियसली अगला इसका नंबर है। तो जॉन वन भाई आए और इसको मास्क दबा के कूटा, सर पे टीम तोड़ा, ऊपर से डाला मिट्टी का तेल और ओह यस 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 ऑलमोस्ट फॉरगॉट, मूवी के लीड्स में मिस टी सीरीज भी है, तो आज स्पीच देने की बारी उनकी, क्योंकि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, जिस दिन से मिली है उस दिन से झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। एनीवे तो दीदी बोली, यो निकर, दिस इज कुमार 1180 छत्ता मदन गोपाल परांठे वाली गली लाल किला चांदनी चौक दिल्ली 6। स्तन होता सभी के पास है, देता कोई नहीं। झूठ, क्योंकि ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। सुन बे गेंडू, जितने बार तुम स्क्रीन पे आती है ऐसा लगता है कि साला कोई म्यूजिक वीडियो चल रहा है। अपनी ये प्रेटेंशियस बकचोदी बंद करो, मूवी में बस एक रेप का टॉपिक बचा है कवर करने को, जल्दी से वो भी कर लो, किसको अरेस्ट करने का है किसने नहीं किया मैं बता दी। तो भाई जब बकायदा लाइव टेलीविजन पे आके दीदी ने अक्यूज किया है और ऊपर से पुलिस ने पहले कोई एक्शन नहीं लिया बोल के शी इवन ट्राइड टू हार्म हरसेल्फ, इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी। तो अनूप सोनी सावधान इंडिया का शूट करके इन चूतियों को अरेस्ट करके बोले कि ड्राइवर अरे शहर की सबसे बिजी सड़क पे ले लो, गाड़ी बिल्कुल अटक जानी चाहिए। हाँ बस फिर अटक गई गाड़ी और पीछे से आया जॉन टू त्रिशूल लेके और पुलिस वैन की छत तोड़ के, मतलब लिटरली व्हाइल दीस कल्प्रिट्स आर वेटिंग इनसाइड, त्रिशूल घुसा दिया इनकी छाती में और तीसरे चूतियों को पकड़ा जॉन वन ने और फिर से मिट्टी का तेल डाल के स्वाहा के, तभी पीछे से आया अनूप सोनी, बट सिंस यही था वो गांडू पांडू जिसने उस लड़की की FIR लिखने से मना किया था, तो ये लोग आधे लखनऊ के सामने बिना अपना मुंह छुपाए इसको भी RIP इन पीस कर देते ब्रो, बिकॉज मेरा ही स्टेडियम मेरा ही मैच और मेरा ही रूल्स और मैं खुद ही एम्पायर। क्या बात कर रहे हैं। And surprise, surprise, आज finally इनकी माँ को आ गया होश, because मिलाप जावेरी ने बोला है no more coma तो no more coma, और finally माता जी ने बताया इनको असली सच कि बेटा बेटा obvious सब plot twist लाए हैं बेटा है, तो मेरे पिताजी जॉन जीरो को उनके खास आदमी मिस टी सीरीज के अब्बू और करंट CM अल्बर्ट पिंटो ने कूले में चाकू मारा था बेटा, तो अब बदला लेना पड़ेगा ना, लेकिन आफ्टर पिताजी के श्राद्ध की पूजा। बट एक और प्लॉट ट्विस्ट, बट लेट अस प्रिटेंड दैट वी डिडंट सी इट कमिंग, ओके? CM साहब तो जॉन ट्विन से 10 कदम आगे हैं ब्रो, इसने तो इनकी अम्मा को उठवा भी लिया और इनको साला पता तक नहीं चला, काहे का होम मिनिस्टर और काहे का इंस्पेक्टर में, तो ये लेके जाता है इनको वाराणसी के खेत में जहाँ पे माता जी को हल से बांध के रखा हुआ है, और CM साहब की सिक्योरिटी इतनी चूतिया कि सिक्योरिटी दे रहे हैं वो तो ठीक है, साला किडनैपिंग एक्सटॉर्शन और टॉर्चर में भी सपोर्ट कर रहे हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी लॉयल वेरी लॉयल। तो CM साहब बोले कि बड़ा जेनेरिक डायलॉग है लेकिन सुन ले गांडू, अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो लड़ो सालो, सुबह तक लड़ो, ठीक है भाई साहब ने बोला है लड़ो या लड़ो या लड़ना खड़ा है देख रहा है मुंह लड़। लेकिन अफसोस दोनों सुबह तक नहीं लड़ पाए, बट नॉट टू फियर, मिलाप जावेरी इज हियर, तो साला 3 सेकंड में सनराइज भी हो गया और गांव की सारी जनता आके CM की सिक्योरिटी हु लिटरली हैज मशीन गन्स उनको कूट दी, तो ये फक ऑल लॉजिक देख के CM साहब भागे। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर प्रोड्यूसर बोला यार इतने बड़े हेलीकॉप्टर को खींचना इन दोनों के बस की बात नहीं है ब्रो, लेकिन मिलाप जावेरी बोले अरे तो हमको कौन सा लॉजिक का अचार डालना है ब्रो, हम बुलाओ पिताजी की आत्मा को, एंड वेल पिताजी की आत्मा आई इनकी हेल्प करी, इन्होंने CM की गांड तोड़ी और गांव वालों को बुला के मॉब लिंचिंग करवा दी, वो भी ऐसी वैसी नहीं ब्रो, गांव वाले बकायदा इंडिया का मैप बना के खड़े, आई मीन हाउ प्रिटेंशियस कैन अ मूवी फकिंग बी दिस मच
बट फक इट, मूवी खत्म। इस मूवी का नाम सत्यमेव जयते 2 की जगह 100 रीजंस व्हाई टू बैन मिलाप जावेरी फॉरएवर एंड एवर होना चाहिए था, ज्यादा सेंस बनता। इस माइक के दो-दो लाल है। And then again, don't forget to download the Cash Karo app, link description में मिल जाएगी, and like I said, giveaway भी है, तो अगर वापस से डिटेल सुनने हैं, तो वीडियो रिवाइंड करके वापस से सुन लो, ठीक है? तो मित्रों, once again, ऐसे voice over के लिए माफी, गजब जुखाम है, पिछले आधे घंटे से खांस खांस के मैं रिकॉर्डिंग करो, but ठीक है, whatever it is, मेहनत बहुत लगी है इस वीडियो में, mainly because of this जुखाम, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो याद से शेयर जरूर कर देना और नीचे कमेंट से बताओ व्हाट पार्ट डिड यू लाइक द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड क्योंकि बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाला है, यू गाइस आर गोना लव इट एंड यस ओनली देसी के कोलाब वाली वीडियो इज ऑलमोस्ट डन सो दैट इज ऑल्सो ऑन द वे तो इसी बात पे मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर लो बिकॉज यू नो इट हेल्प्स बाकी तो फिलहाल मैं जाके गर्म पानी पीता हूँ और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में ब्रो।